आज मुंबई में हमारा आखिरी दिन है और हमने पिछले दिनों में कई वीडियो यहाँ पॉलिटिकल बनाए तो थोड़ा सा आज के दिन आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि मुंबई में पिछला चार पाँच दिन का जो मेरा अनुभव है वो किस तरह का रहा और मुंबई में जो घूमे उसका फीडबैक क्या है केवल पॉलिटिकल बात नहीं मुंबई की लाइफ के बारे में यहाँ की जो लोगों का रहन सहन है यहाँ के जो घूमने के स्थान हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की जैसे सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर नोटिस की कि यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों के हेड ऑफिस हैं अंबानी साहब यहीं पर रहते हैं लेकिन यहाँ पर जियो का नेटवर्क इतना ज़्यादा खराब है इतना ज़्यादा खराब है कि पूछिए मत कहीं पर भी फाइव का सिग्नल पूरी मुंबई में नहीं मिलता है एयरटेल में फोर मुश्किल से चलता है होटल रूम में आप रुकेंगे तो होटल रूम में आपको वाईफाई सही नहीं मिलेगा एक भी दिन हम मुंबई से होटल के रूम से अपना लाइव ठीक से नहीं कर पाए इसलिए हमने मुंबई में सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद बनाए तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन तो इन जितनी भी हमारी मोबाइल कंपनीज़ हैं उनसे यही है कि भाई कम से कम मुंबई में तो अपना नेटवर्क सुधार लो दिल्ली में सभी का बढ़िया नेटवर्क है अंबानी साहब का घर है वो देखने के लिए गए उधर से हम पास हो रहे थे वहाँ पर भी अम्बानी साहब के घर के पास भी फाइव का सिग्नल जियो में नहीं आ रहा था ज्यादातर जगह लिखा आता रहा एल ये हालत है यहां की आगे कुछ बताऊंगा अभी हम बोट राइड के जगह जा, जा रहे हैं तो दोस्तों बोट राइड का जो बीच पर मज़ा ना लिया तो क्या मज़ा लिया मुंबई में अब चल हैं हम जो बीच पर राइड के लिए वैसे तो यहाँ बड़े महंगे महंगे पैकेज लोग दिखाते हैं लेकिन फिर भी हज़ार डेढ़ हज़ार रुपये में आप आसानी से घूम सकते हैं हमने अपने बोट वाले से निवेदन किया कि भाई थोड़ा धीमे चलाना क्योंकि जब ये स्पीड से चलाते हैं तो उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस बहुत ज़्यादा श्योर होने लगता है तो इसलिए हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं आराम आराम से आप चलाते रहना हम इसका मज़ा लेते रहेंगे वरना आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जितनी भी बोट्स हैं दूर दूर तक ये लगभग दो किलोमीटर तक घुमाने के लिए लेकर जाते हैं लोगों को और उसके बाद वापस छोड़ देते हैं कई बार तो दस मिनट के पैकेज इन लोगों ने चार हज़ार पाँच हज़ार रुपये इतने तक रखे हुए हैं लेकिन फिर भी आप अगर इस यहाँ पर निगोशिएशन्स करते हैं तो काम आसानी से हो जाता है तो बहरहाल मुंबई की जो चार दिन की यात्रा है उसके बारे में मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि हम लोगों को मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर बहुत ख़राब मिला एयरटेल में कुछ जगह पर फोर और फाइव चला लेकिन पूरे मुंबई में जहाँ पर मुकेश अम्बानी रहते हैं वहाँ पर कहीं पर भी फाइव जी का सिग्नल नहीं मिलता है तो ये चीज़ें सुधारने की बहुत आवश्यकता है अलबत् मुंबई जो है बड़ी खूबसूरत नज़र आती है रात के समय मुंबई में आप किसी भी इलाके में घूमने जाइए दिल्ली से ज़्यादा खूबसूरत है दूसरे ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर ग्रीन रहता है माहौल और हो सकता है कि बारिश ज़्यादा होती है इसकी भी वजह हो सकती है और बारिश की वजह से यहाँ पर जितने होटल में भी हम जहाँ पर रुके हुए थे जोहू में उस होटल के बाहर भी बहुत अच्छा ग्रीनरी का एकदम से सारा सेटअप उन लोगों ने लगाया हुआ था हर जगह मनी प्लांट्स की बेल लगी हुई थी और मैंने एक चीज़ और देखी है दिल्ली वालों के मुकाबले मुंबई में ज़्यादा जागरूकता है पोल्यूशन को लेकर क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग बाग हैं वो वैसे तो पोल्यूशन दिल्ली से बहुत कम है लगभग एक चौथाई है और यहाँ पर कोशिश ये होती है लोगों की कि अपने घर के बाहर अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी रह रहे हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी लोगों ने मनी प्लांट की बेल और जिसे कहते हैं कि जो छज्जों पे और रूफ़ गार्डनिंग होती है वो सब यहाँ पर लोगों ने की हुई है तो इस वजह से थोड़ा लुक भी बढ़िया होता है हालाँकि दिल्ली के मुकाबले यहाँ की बिल्डिंग्स छोटी हैं छोटी से इन देंस कि वो चौड़ाई में कम है हाइट में ज़्यादा है तो इसलिए रात को यहाँ जब आप लाइटिंग्स देखेंगे या एरियल व्यू यहाँ का मुंबई का देखते हैं तो वो ऐसा नज़र आता है कि जैसे आप दुबई में घूम रहे हैं दिल्ली में बिल्डिंगें चौड़ी चौड़ी हैं मोटी मोटी हैं लंबी लंबी हैं लेकिन यहाँ पर छोटी सी जगह में ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है उनके व्यूज़ हम आपको क्लिप्स में अलग से दिखाते रहेंगे तो हम थोड़ा बोटिंग करते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं दोस्तों जो बीच पर बोटिंग के बाद हमारा प्लान ये बना कि चलेंगे हम बच्चन साहब के घर पर अमिताभ बच्चन के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं बचपन से उनकी फिल्में देख बड़े हुए हैं पले हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों में हमने आइडियोलाइज भी किया है अमिताभ बच्चन को लोग कितना भी क्रिटिसाइज़ करते रहें लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि अमिताभ बच्चन आज भी बयासी साल की उम्र में जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है और उनको कम से कम इस लिहाज से तो फॉलो किया ही जा सकता है और दूसरे वो मुझे ट्विटर पर एक्स पर फॉलो करते हैं पिछले दस साल से ये भी एक ख़ास हमारा कनेक्शन है पहली मुलाकात हमारी 2015 में हुई थी पीवीआर में बसंत कुंज में नई दिल्ली में तो 17 तारीख को संडे को 17 नवंबर को हम यहाँ पर पहुँचे और अमिताभ बच्चन के घर पर जाने का प्लान बनाया उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न ये भी था कि अपनी किताब की एक कॉपी बच्चन साहब को भेंट करने का मन था सत्रह तारीख को मेरा नवंबर सत्रह नवंबर को मेरा जन्मदिन भी था कुछ लोगों ने कहा कि यार मैसेज अंदर भिजवा देते हैं आपका कि आपका जन्मदिन है मैंने कहा कि नहीं यार ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ मेरी किताब बच्चन साहब तक पहुंच जानी चाहिए और आप जानते हैं कि शाम को पाँच बजे के आसपास बच्चन साहब के घर पर ज़बरदस्त मजमा लगता है भीड़ लगती है लगभग सात आठ हज़ार लोग वहाँ पर एकत्र हो चुके थे हालांकि हम तीन बजे पहुंच गए थे वहां पर और थोड़ी सी हमने शॉपिंग की तो हमें मैसेज दिया गया कि बच्चन साहब साढ़े पाँच बजे आएंगे तब तक आप वेट कीजिए फिर उसके बाद वहाँ कुछ मित्रों से मुलाकात हुई वहाँ पर दो तीन बच्चन फ़ैन और भी मिले जो रेगुलर आते हैं दस दस पंद्रह पंद्रह साल से अमिताभ बच्चन के संडे दर्शन के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसिस बताए बाद में उन्होंने हमें बड़ा पाव भी खिलवाया फिर हम वेट करते रहे बहुत भीड़ जमा होती रही बहुत भीड़ होती रही लगभग चार पाँच हज़ार के करीब लोग होंगे एकत्र सड़क पर ट्रैफिक जाम था मैंने कहा कि यार हमारी किताब पता नहीं पहुंच पाएगी या नहीं लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनसे हमने निवेदन किया ही था और बच्चन साहब के जो कैमरा मैन हैं परेश भाई परेश मेहता वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं मैंने उन्हें याद दिलाया दिल्ली की मुलाकात का तो उन्होंने कहा कि ठीक है बिल्कुल बढ़िया बात है और आपकी किताब निश्चित रूप से मैं बच्चन साहब तक पहुंचवा दूंगा और आपको ऑटोग्राफ भी उनका दिलवाया जाएगा मुलाकात का वायदा किसी ने नहीं किया उन्होंने कहना उन उन्हों सब का कहना था कि सिक्योरिटी रीजन्स इतने ज़्यादा हैं और यहाँ पर सलमान खान वाला जो इंसिडेंट हुआ बाबा सिद्दीकी की हत्या वाला उसके बाद से सभी फ़िल्म स्टार्स के घर पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ बढ़ा दी गई है तो मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें उनसे मुलाकात ही करनी है फिर अमिताभ बच्चन आए जैसे आप जानते हैं कि आजकल एक वो ट्रॉली पर खड़े होकर आते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने भीड़ को वेव किया हम गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में खड़े हुए थे तो मैंने अपनी दोनों बुक दिखाई अमिताभ बच्चन ने उसको रिकॉग्नाइज किया और अपने स्टाफ से कहा कि इनकी बुक ले लो और उसके बाद वो दो तीन मिनट चले गए बाद चले गए हमको वहाँ पर टी शर्ट्स भी जो बच्चन साहब की प्रिंटेड होती हैं वहाँ फैंस को दी जाती हैं वो टी शर्ट्स भी हमें मिली और वहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का मग बच्चन साहब के 82 बर्थडे पर जो बनाया गया था वो भी हमको दिया गया और फिर हमसे कहा गया कि आपकी बुक बच्चन साहब ने ले ली हैं हमने दो प्रतियां दी थी उनको एक प्रति तो ये दी थी कि उसमें हार्ड कवर था स्पेशली बच्चन साहब के लिए मैं लेकर आया था और एक दूसरी प्रति ऐसी थी जिस पर वो मुझे ऑटोग्राफ करके वापस करने वाले थे मुझसे कहा गया कि आप वेट कीजिए आपको मिलेगी और 10-15 मिनट के बाद हमें वो किताब मिल गई फिर उसके बाद हमने प्लान किया कुछ कुछ लोगों ने कहा कि बच्चन साहब का जो बंगला है जलसा उसके पीछे एक गली कर, गली क्रॉस करके उनका आ, ऑफ़िस है जनक करके उनका जो है एक ऑफिस है जिसमें जनक तो वो कहते हैं कि कई किसी ने बताया कि अगर आप की मुलाकात हो सकती है कि वो कई बार क्या करते हैं कि संडे दर्शन के बाद वो जाते हैं पीछे अपने ऑफिस में तो हमने सोचा कि ठीक है तो हम घर की बैक साइड में भी गए वहाँ पर भी काफ़ी देर वेट किया लेकिन बाद में हमें बताया गया कि वो किसी काम से मुंबई में ही चले गए हैं और अभी वो फिलहाल घर पर नहीं है तो ठीक है हमने का कोई बात नहीं हमारा काम हो गया हमारी बुक पर उनके ऑटोग्राफ हमको मिल ही गए थे आप विजुअल्स में वो देख ही रहे होंगे तो दोस्तों मुंबई के दौरे का आप समझिए कि ये लगभग आखिरी पड़ाव था इस दौरान बहुत सारे लोग मिले प्रशंसक मिले जब हम सिद्धि विनायक मंदिर पहुँचे थे जिस दिन हम पहुँचे उस दिन सुबह ही सुबह हम सबसे पहले विनायक मंदिर गए थे वहाँ पर आरती चल रही थी और आरती में कुछ लोग मिले एक लड़का मिला किशन नाम का उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था जौनपुर का लेकिन वो बॉर्न एंड बोटअप मुंबई है वो यहीं पर पैदा हुआ उसके पिताजी यहीं पर थे तो वो यहीं से पला बढ़ा है इस समय यू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसने ये बताया कि आप सर बिल्कुल सही समय पे आए हैं सुबह की आरती चल रही थी मेरे ख्याल में छः बजे के करीब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे सुबह की आरती चल रही थी उस आरती में हमने भाग लिया हमें अच्छी तरह से दर्शन करने के लिए मिले वरना तो सिद्धिविनयक मंदिर में आप जानते हैं कितनी भीड़ रहती है फिर उसके बाद उनसे वहाँ से प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम चले गए तो साहब विनायक मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने अपने टैक्सी चालक से कहा क्योंकि हम छः बजे के करीब फ्री हो चुके थे वहाँ से तो हमने कहा कि यार अब सुबह ही सुबह हम होटल में चेक इन करना था बारह एक बजे के आसपास बारह बजे से पहले चेक इन करना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ भी जाकर वेटिंग करनी पड़ती है तो हमने अपने टैक्सी चालक से कहा कि भाई हमें कहाँ कहाँ घुमा सकते हो तो उसने कहा कि सर इस समय पूरी मुंबई खाली है इतनी सुबह कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं है आप जहाँ चाहें वहाँ पर मैं आपको घुमा सकता हूँ तो हमने कहा कि शुरुआत करते हैं साहब गेट ऑफ इंडिया से गेट ऑफ इंडिया पर पहुँचे घूमते घमाते हुए उसने कहा कि यहाँ सब देखिए अंबानी का घर है फलाना है शाहरुख खान का घर है पता नहीं क्या क्या उसने सब चीज़ें दिखाई वहाँ से घूमते घामते हम गेट ऑफ़ इंडिया पे पहुँचे तो गेट ऑफ इंडिया का दोस्तों आप नज़ारा देख सकते हैं कि वहाँ कबूतर वबूतर भी खूब उड़ाए हमने तो उस समय ऐसा नज़ारा था कि जैसे वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ हो लॉकडाउन जैसी स्थिति थी बिल्कुल सन्नाटा था चारों तरफ कुछ टूरिस्ट आने शुरू हो चुके थे कुछ वहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स जो आजकल चलते हैं जो शादी से पहले शूट्स कराए जाते हैं कपल्स के वो वहाँ पर चल रहे थे कुछ लोग बोटिंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो हमने पूछा यार सुबह ही सुबह बोटिंग के लिए कैसे तो उन्होंने कहा कि साहब ये बड़े वाली बोट है जो अलीबाग जाती है यहाँ से जहाँ एलिफेंटा केव्स वगैरह हैं उस तरफ जाती है तो वहाँ से बोट के माध्यम से ही जाना होता है तो ये सब लोग उसकी वेट कर रहे हैं बहुत से लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं जॉब करते हैं तो वो सब लाइन में लगे हुए तो काफ़ी भीड़ थी उस पोर्शन में बाकी गेट ऑफ इंडिया पर जब हमने टाटा साहब के बनाए हुए सामने जो ताज है जिस पर आतंकी हमला हुआ था कसाब और उनके साथी आतंकियों ने किया था तो उसका नज़ारा बड़ा अद्भुत होता है सूरज निकल रहा था समुंदर में से वहाँ पर भी हमने कुछ अपने फ़ोटो शूट्स कराए हमने अपने साथी ने टीम मेंबर्स ने फिर ताज के साथ शूट हुआ वहाँ पर घूमते रहते हैं लोग कैमरा लेकर के फ़ोटो खिंचवा लो फोटो खिंचवा लो हालांकि मोबाइल के इस दौर में आजकल सबको डिजिटल कॉपी चाहिए प्रिंटेड कॉपी किसे चाहिए लेकिन हमने एक बेचारे से वादा कर दिया था एक लड़के से उसने हमारी फ़ोटो भी खींची हमें प्रिंट निकाल कर दिए उसके हमने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं सबका काम चलना चाहिए और उसके बाद फिर हम वहाँ से रवाना हुए वहाँ पर हमने अपना एक वीडियो भी शूट किया जिसे आप देख चुके होंगे मेरे चैनल हर्ष की बात लाइव पर और फिर उसके बाद हम नरीमन पॉइंट पहुँचे मरीन मरीन ड्राइव पर वहाँ पर भी लोग जॉगिंग वगैरह कर रहे थे सुबह का दृश्य था लोग घूम फिर रहे थे वहाँ पर भी हमने एक वीडियो का पार्ट थोड़ा सा अपना शूट किया और फिर उसके बाद हम होटल आ गए होटल में आराम किया होटल में दोपहर आराम के बाद घूमते घुमाते हमें अमन चोपड़ा जी मिले अमन चोपड़ा आप जानते हैं कि नेटवर्क एटीन में हैं बढ़िया सीनियर पोस्ट पर हैं जाने माने एंकर हैं और उन प्रतिबंधित एंकर में से हैं जिन्हें इंडिया अलायंस वालों ने बैन किया था उनके साथ चाय पी गई बातचीत हुई सेम होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे बातचीत होती रही चर्चाएँ होती रही और उनके पिताजी के लिए मैंने अपनी किताब भी उनको दी उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी जो है आपको और प्रदीप सिंह जी के वीडियो को बहुत देखते हैं बड़ा पसंद करते हैं तो मैंने एक किताब भी अमन चोपड़ा को अगले दिन सुबह नाश्ते पर उनको भेंट की और फिर पता लगा फिर बात हुई हमारी फ़ोन पे व्हाट्सएप के माध्यम से चित्रा त्रिपाठी जी से जो ए की वाइस प्रेजिडेंट हैं उनसे भी हमारा मिलने का प्रोग्राम था उनका मुझे मैसेज आ गया था कि वो भी मुंबई में हैं तो दो तीन दिन मुंबई से बाहर थी उसके बाद मुंबई में वो लौट आई थी तो मैंने भी मैसेज किया उनको उन्होंने कहा कि कल मिलते हैं अगले दिन फिर नाश्ते पे सुबह चित्रा त्रिपाठी से मुलाकात हुई आप उसके विजुअल्स भी देख सकते हैं छोटी सी क्लिप भी है हमने उन्हें अपनी किताब दी उनके जो टीम मेम्बर्स थे उनको भी अपनी किताब हमने दी फिर कुछ फैंस मिलने के लिए चले आए चंद्रेश सागर उनका नाम था वो आए और जयेश किनारी वाला आए हमारे चैनल के पुराने प्रशंसक हैं हमारे और जो वहाँ अमेरिका में रहते हैं मेहुल शाह हमारे चैनल के मेम्बर हैं उनके परिचित हैं वो काफ़ी देर उनसे भी होटल की लॉबी में बैठकर हमने चर्चा की उनके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाए गए और फिर उसके बाद हम मुंबई में घूमने के लिए निकले हाँ दूसरे दिन मुंबई में एक बड़ा दिलचस्प वाक़ और भी हुआ बान्ड्रा में रहते हैं राकेश आनंद बख्शी राकेश आनंद बख्शी जाने माने गीतकार आनंद बख्शी साहब के बेटे हैं और हम जैसे जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं भाऊ कर मैं और अभिषेक तिवारी प्रदीप पर, जी अजीत भारती जयपुर डायलॉग्स उन्होंने बताया कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूं और आप मेरे घर पर जरूर आइए आप मुंबई में आए हुए हैं मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी ट्विटर पर कि हम मुंबई में हैं सिद्धि विनायक मंदिर वाली तो उन्होंने हमें अपने घर पर आमंत्रित किया दोपहर में और फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू भी लिया हमने उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर एक किताब लिखी है वो कॉपी भी उन्होंने हमें भेंट की हमने अपनी किताब उनको दी उस इंटरव्यू को आप इसी चैनल पर देखेंगे आएगा वो इंटरव्यू उसको थोड़ा सा एडिट करने में समय लगेगा क्योंकि उसमें हमने आनंद बख्शी साहब की जो सारी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह मेमोरीज़ वहाँ उनके घर पर रखी हुई थी वो सब हमने शूट किया है उसका वीडियो हम जल्दी से लाएंगे बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा बल्कि वो अपने पिताजी की बात करते करते काफ़ी भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि साहब हमारे फादर को लीजेंड कहते हैं लोग लेकिन लीजेंड की परिभाषा मुझे एक दिन एक बांसुरी बेचने वाला घर के नीचे से जा रहा था मेरे पिताजी का गाना गाते हुए महबूबा फिल्म का मेरे नैना सावन भादो तो तब मुझे पता लगा कि लीजेंड किसे कहते हैं कि आप अगर इस दुनिया में नहीं भी हैं आपकी मौत के बाद भी अगर किसी के घर की रोजी रोटी आपके किसी किए हुए कार्य से चल रही है तो वो लीजेंड की सही परिभाषा है इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिएगा ये मुझे लगता है कि हमारे मुंबई की चार दिन की जो ट्रिप थी उसका ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था जो हमने आनंद बख्शी साहब के घर हमें जाने का मौका मिला हमने वो जगह देखी जहाँ उन्होंने सुभाष घई यश चोपड़ा बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए हैं उनके साथ बैठकर काम किया गीत लिखे तराने लिखे नगमे लिखे गजले लिखी वो सब चीज़ें हैं उसमें तो साहब मुंबई का कुल मिलाकर एक्सपीरियंस बढ़ा ही रह, बढ़िया ही रहा और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि यार यहाँ मोबाइल नेटवर्क बहुत ख़राब है मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि मुकेश अम्बानी और जो बाकी यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एयरटेल वगैरह उनसे निवेदन करूँ कि भाई यहाँ पर आपका तो नेटवर्क यहाँ बिल्कुल ही जीरो है अंबानी साहब का तो 5G पूरी मुंबई में कहीं नहीं चलता है एयरटेल की भी बस हालत ख़राब है 4G से ऊपर वो भी नहीं जाता है इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि होटल्स के, के वाईफाई कितने ख़राब होते हैं तो ये सब अनुभव हमारे मुंबई को लेकर रहे लेकिन मुंबई बहुत बढ़िया शहर है बहुत खूबसूरत शहर लगा अब तक जितने महानगर देखा हो मुझे तो चंडीगढ़ से भी बढ़िया लगा चंडीगढ़ से मुझे कम क्राउड यहां पर लगा पता नहीं क्यों या तो मैं ऐसे जगहों पर गया जहां ज़्यादा भीड़ नहीं थी भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी और ग्रीनरी इतनी है इतनी खूबसूरती है और बड़े बड़े बंगलों हैं दिल्ली में इतने बड़े बड़े बंगलों अक्सर देखने के लिए मिलते नहीं हैं बिल्डिंगे मैंने बताया जैसे कि आपको पहले भी बताया कि बिल्डिंगे जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं ऊंचाई उनकी ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनती हैं लेकिन यहाँ पर जगह की कमी है क्योंकि बहुत सारे जो टापू हैं उनको मिलाकर मुंबई बनता है अलग अलग पार्ट में बीच में समुदर घुसा हुआ है जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है हमारी प्लान थी कि हम अटल सेतु भी देखने के लिए जाएंगे लेकिन उसके लिए हमें बताया गया कि हमें फिर उसके लिए 22 से, 24 किलोमीटर सीधे पनवेल जाना होगा क्योंकि उसमें बीच में से यू टर्न नहीं है कहीं भी आप एक बार उस पर चढ़ गए तो आपको पनवेल जाके पनवेल से वापस आना होगा तो इसलिए हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया वैसे भी इस बार उद्देश्य हमारा यही था कि कुछ चुनाव के बारे में चर्चाएं हो तो चुनाव के बारे में चर्चा हुई भी कुछ पत्रकारों के इंटरव्यू लिए हमने कुछ अपने ब्लॉग्स बनाए कुछ पत्रकारों से मिले और कुछ पब्लिक ओपिनियंस ली हालांकि पब्लिक ओपिनियंस वो जो लेते हैं ना कहीं भी खड़े होकर लोगों की वो बड़ा मुश्किल काम है मुंबई में कर पाना जहां भी आप जाएंगे वहां पर इतने सब लोग आपको घेर लेते हैं कि वो काम बड़ा मुश्किल से हो पाता है तो इसलिए हमने उसको अवॉइड किया और मुंबई की जो स्थितियां हैं पॉलिटिकल उनका अंदाज़ा इस बार यहाँ हमने देख लिया जो शहर में जिस तरीके से एक नाथ शिंदे के बड़े बड़े होर्डिंग्स इलेक्ट्रॉनिक लगे हुए हैं वो दिन रात चमकते रहते हैं उनसे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि साहब एक नाथ शिंदे का जलवा यहाँ पर है और तो एक नाथ शिंदे यहाँ अभी मुझे लगता है कि लंबी रेस के घोड़े हैं जनता में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है तो मुंबई से दोस्तों साइन ऑफ करते हैं अब फ्लाइट के लिए निकलना है एयरपोर्ट के लिए और कोशिश करेंगे कि फिर आए मुंबई और आप सबके लिए इस तरह का एक विलॉग जरूर बनाएँ देखते रहिए हमारा चैनल ग्लोबल हर्ष आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार